मैंने कितनी बार बोला है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, मैं जब जेई की प्रिपरेशन किया करता था, जब मैं तुम्हारे वाले दौर से गुजर रहा था, उस समय मेरे द्वारा किए गए प्रयास सिर्फ मेरे सिलेक्शन के लिए ही जिम्मेदार नहीं थे। तो मैं सच बता रहा हूं कि जब ये खेल खत्म होगा ना तो तुम्हें इस बात का फक्र महसूस होगा कि साला कुछ भी हो रिजल्ट, अब कोई भी रिजल्ट आए लेकिन मैदान छोड़ के नहीं भागा। मेरे कहने से भी मुझे पता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी इस उम्मीद में बोलता हूं कि शायद इस भीड़ में कोई तो बैठा होगा एक जो शायद मेरी बातों को सुन रहा हो और शायद उसके जीवन पर इन बातों का फर्क पड़ गया, तो मेरा तो जीवन इसी में सफल है। ठीक है, करना जो इंसान जितनी शिद्दत से कर रहा है वो इस रेस में धीरे धीरे आगे होता चला जाएगा। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये तो कड़वा सच है कि सभी लोगों का तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान में नंबर ऑफ सीट्स तो फिक्स है भाई, तो ये रेस है, इस रेस में जो लोग आगे निकल जाएंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे, जो पीछे रह जाएंगे वो नहीं हो पाएंगे। अब ये आप ही निर्धारित करेंगे कि आपको किस रफ्तार से चलना है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर आग है तो प्रयास करिए, और वो आग कोई और तो जलाने वाला है ही नहीं, वो आग तो तुम्हें खुद जलानी पड़ेगी। और आग नहीं है तो जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। IIT इज नॉट द लास्ट डेस्टिनेशन। अगर आपको ऐसा लगता है कि जीवन में यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये मैं आपको बता दूं कि आपकी गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आपको जेन्युइन इंटरेस्ट है, आप कोटा ये सोच करके ही आए हैं कि नहीं यार मुझे इस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है, तो फिर दौड़िए, सोच क्या रहे हैं। अगर आग तुम्हारे अंदर खुद से जली हुई है, तुम्हारा खुद का डिसीजन है और तुम अपने डिसीजन के बेस्ड पर ही इस कोटा शहर तक पहुंचे हो, तो इस सफर को और शानदार बनाने का प्रयास करिए। मैंने कितनी बार बोला है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है हमने जेई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से की। अपने अपने जीवन के इन 2 साल को आफ्टर द 10th क्लास किस तरीके से यूटिलाइज किया। हमारे सामने जब ऐसे प्रॉब्लम्स आए, जब ऐसे कॉन्सेप्ट्स आए जो कि एक आम इंसान के लिए सोच पाना थोड़ा मुश्किल था, उन कॉन्सेप्ट्स को या उन क्वेश्चंस को हमने कैसे टैकल किया, हमने अपनी स्किल्स को डेवलप किया या नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट। क्योंकि जिस इंसान ने ये 2 साल अपने जीवन के शिद्दत से मेहनत करी है ना, अपने स्किल्स पे वर्क किया है, अपनी सोच को डेवलप किया है, नई नई सिचुएशंस को हैंडल करना सीखा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में भी अपने आप को कूल रखना आता है, पेशेंस फुली डिसीजंस लेता है और पेशेंस फुली सिचुएशंस को टैकल करता है, उसके लिए जेई जैसे एग्जाम जीवन का एकमात्र एक छोटा सा एग्जाम है। क्योंकि जिसने जीवन में ये 2 साल, जिसमें से शायद 1 साल से ज्यादा वक्त आपका निकल चुका है, कुछ गिनती के 9 से 10 महीने आपके पास है, अगर आपने ये 10 महीने रगड़ के एफर्ट्स कर लिए, तो मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग सेलेक्ट होंगे, लेकिन हाँ ये तय है कि इस जीवन की दौड़ में आप इस दुनिया में कई हजारों लोगों से, हजारों तो बहुत छोटा वर्ड हो गया, लाखों लोगों से आगे निकल जाएंगे। क्योंकि तो जिसने 2 साल बहुत शिद्दत से एफर्ट्स किए हैं, मैदान में टिका रहा है, हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास किया है, उसकी मेहनत कभी बर्बाद नहीं हुई। हो सकता है कि वो शायद IIT तक ना पहुंच पाए, लेकिन वो जहां भी पहुंचेगा ना अपनी एक अलग ही पहचान बना के निकलेगा। मैं जब जेई की प्रिपरेशन किया करता था, जब मैं तुम्हारे वाले दौर से गुजर रहा था, उस समय मेरे द्वारा किए गए प्रयास सिर्फ मेरे सिलेक्शन के लिए ही जिम्मेदार नहीं थे। उसके बाद जीवन में मैंने आगे जो भी पढ़ाई करी हो, इवन आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इसमें वो सारी चीजें बहुत सार्थक साबित हुई हैं। आज मैं उस तरीके से, उस नजरिए से सोच पाता हूं जिस नजरिए से एक स्टूडेंट सोच रहा होता है, मेरे लिए आसान होता है। मुझे स्टूडेंट्स
कि पूछने से पहले यह आभास हो जाता है कि इसको क्या डाउट आ रहा होगा। यह सब इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने जेई की प्रिपरेशन बहुत ईमानदारी से की थी। तो सोचो मेरे द्वारा आज से 12 साल पहले किए गए एफर्ट्स मेरी आज मदद करते हैं आप लोगों को पढ़ाने में। तो अगर वो एफर्ट्स जब मेरे आज काम आ रहे हैं तो डेफिनेटली हर इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं काम आएंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जीवन में कॉन्फिडेंस, है ना। जब हम शीशे के सामने खड़े हों और अपने आप को देखें तो हमें फक्र से महसूस होना चाहिए कि हाँ ये मैं हूं और मैं अपने जीवन में हर काम को बहुत शिद्दत और बहुत ईमानदारी से करता हूं। इससे बड़ी जीवन में और कोई चीज है ही नहीं। ठीक है, आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता ये सब साइड की चीज है। आपको जो टास्क दिया गया, आपकी जो भी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का आपने निर्वाहन किस तरीके से किया वो इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपने जेई की प्रिपरेशन बहुत ईमानदारी से करी, आपने जीवन के आने वाले 10 महीने बिना इस लालच के प्रयास किया कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इस साइड में, लेकिन जब तक मैदान में टिका हूं मैं अपनी तरफ से 100% एफर्ट करूंगा, तो मैं सच बता रहा हूं कि जब ये खेल खत्म होगा ना तो तुम्हें इस बात का फक्र महसूस होगा कि साला कुछ भी हो रिजल्ट, अब कोई भी रिजल्ट आए लेकिन मैदान छोड़ के नहीं भागो। और ये जो कॉन्फिडेंस है ना तुम्हारा, ये तुम्हें जीवन में बहुत आगे लेकर के जाएगा। क्योंकि तुम ऐसा तो है नहीं कि दिस इज योर लास्ट एंट्रेंस एग्जाम, इसके बाद भी जीवन में अलग अलग लेवल पर अलग अलग लेवल के कॉम्पिटिशन्स मिलेंगे, अलग अलग लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स मिलेंगे। लेकिन अगर तुमने ईमानदारी से अभी मेहनत करी तो तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। तुम जब जीवन में एक कदम आगे बढ़ोगे, जीवन में एक कदम और आगे पहुंचोगे और सामने कोई एक नया टारगेट सेट होगा तो तुम्हें लगेगा अरे यार जेई की एग्जाम में जब मैदान नहीं छोड़ा था तो अब क्या फर्क पड़ता है। ये है कॉन्फिडेंस। और अभी तुमने गिव अप कर दिया, अभी मार्क्स को देख करके या तो ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो गए या बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए। ज्यादातर लोग यही करते हैं। मेरे कहने से भी मुझे पता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी इस उम्मीद में बोलता हूं कि शायद इस भीड़ में कोई तो बैठा होगा एक जो शायद मेरी बातों को सुन रहा हो और शायद उसके जीवन पर इन बातों का फर्क पड़ गया तो मेरा तो जीवन इसी में सफल है। ठीक है, मैं जानता हूं कि किसी के कहने से किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हर इंसान अपने जीवन में वही करता है जो उसे पसंद होता है। मैं भी वही करता हूं और मैं चाहता हूं करना भी वही चाहिए जो आपको पसंद है, तभी आप जीवन में सुकून की जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन अगर आपने जेई की प्रिपरेशन इतनी ईमानदारी से अगर कर ली है ना, तो लाइफ में जो कॉन्फिडेंस मिलेगा, जो ये कोटा शहर तुम्हें देकर के जाएगा, तो जिंदगी भर काम आएगा। इसके बाद तुम जीवन में कभी भी किसी भी चैलेंज से डरोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक विश्वास होगा कि अबे दो दो साल हर टेस्ट दे के आते थे, नंबर नहीं आते थे, खूब बेइज्जती हुआ करती थी, फिर भी टेस्ट देने जाते थे, है ना, मैदान नहीं छोड़ते थे, क्लास में बैठे रहते थे, कोशिश करते थे, सर को पकड़ के बैठे रहते थे कि आज शायद समझ आ जाए, है ना, घर जाके क्वेश्चंस लगाते थे, कई बार ऐसा होता था बहुत कम क्वेश्चंस बनते थे, लेकिन फिर भी मैदान नहीं छोड़ा। तो जब हार नहीं मानी तब तो मेरी उम्र मात्र 16 या 17 साल थी, तब मैदान में टिका रहा है यार, तो अब कैसे हार मान सकता हूं। ये है इनवैल्यूएबल जो तुम्हें जीवन में बहुत आगे लेके जाएगा। और अभी तुमने अगर बेईमानी करी, बेईमानी मतलब भाई जनरली जो करते हो, ठीक है, ये तो तुम मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हो, इस पर तो तुम किताब भी लिख सकते हो, है ना, बेईमानी के ऊपर, है ना, तुम्हें सबको पता है बेईमानी क्या है ना। तो पता है क्या होगा जीवन में आगे, तुम जब भी कुछ बड़ा करने की सोचोगे, कुछ हटके करने की सोचोगे, तो अंदर से आवाज आएगी तो रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा। तो वही तो इंसान है जिसने पहले मैदान छोड़ दिया था, तो फिर क्या होगा, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। और अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर गया तो फिर यही है कि लाइफ एक आम जिंदगी की तरह रह जाएगी। तो सिंपल सा फंडा है, एफर्ट्स मारो। परफेक्शन तो तुम्हें भी पता है किसी में नहीं, हर इंसान को सुधार की जरूरत है और हर दिन उसे सुधार करते रहना चाहिए, और उसके जीवन का हर अगला दिन पिछले दिन से बेहतर हो और कुछ नया सीखने का मौका मिले, ये उसे प्रयास करते रहने चाहिए। ठीक है।